तो हेलो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं द बेबी इन येलो। उसके पहले मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे बिल्ली ने हमें एक रोबोट दिया था जो कि टूटा था। हमने उसे सुधराया, मतलब उसे रिपेयर किया, और फिर उस रोबोट ने लिफ्ट को रिपेयर किया। फिर लिफ्ट के ज़रिए हम लोग पहुँच गए थे नीचे वाले फ्लोर पर, जहाँ पर चालू हो गया था हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम था लेबोरेटरी। और फिर हम लोग ऐसे एक जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे हम लोग पोशन बना सकते थे, और वो पोशन हमें बच्चे को पिलाने थे जिससे बच्चा मतलब अदर एक्टिविटी करता था, मतलब बच्चे में नई शक्तियाँ आ जाती थी। उसके मदद से हमने एक चाबी निकाली, उस चाबी से हम लोग लाइब्रेरी में पहुंचे, और लाइब्रेरी में आने के बाद हम लोगों ने पासवर्ड को फाइंड किया, और बहुत से क्लू को जमा करने के बाद, मतलब बहुत फाइंड करने के बाद हमें पासवर्ड मिल भी गए। वो हमने एक दरवाज़े में डाल दिए, वहाँ पे हमें नीचे जाने का रास्ता मिला। हम लोग उसके सहारे नीचे जा भी रहे थे, लेकिन बच्चा आके हमें उस वहाँ से धक्का दे देता है। और अब आगे चलो, अभी हम लोग उठ जाते हैं। और ये कहाँ, मतलब फ़ोटोग्राफी वाले रूम में आ गए हूँ। इट सीम्स टू ओपन एट द फ्रंट, आगे से ओपन होगा शायद ये। ओह, ये क्या है, स्ट्रेंज कैमरा नाम है इसका। यहाँ पे एक डोर है, और एक पेंटिंग, और एक ब्रोकन कुछ तो भी है, लीवर टाइप। और ये कैमरे में फिल्म ही नहीं है, जो शायद हमें इस दरवाजे से मिलेंगी, मतलब इस दरवाजे के अंदर जाके मिलेंगी। टेक अ कैमरा फिल्म। यहाँ पे तो पूरा फ़ोटो बनाने का पूरा जुगाड़, सब सामान वगैरह सब कुछ है। और अभी हम लोग यहाँ से फिल्म उठा लेते हैं, और शायद हमें फ़ोटो बनानी है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और ये बच्चे की फ़ोटो ही बनानी है हमको। एक कैमरा फिल्म, डेवलप द फिल्म। हाँ, बस वही लगा ही था मेरे को कि ये करना होगा, बट इसे बनाओ कैसे मैं। द रूम इजंट डार्क, इसको डार्क कैसे करूँ अभी, वही नहीं समझ रहा मेरे को, डार्क ही नहीं समझ रहा मेरे को कैसे करूँ। तू यहाँ पे लग जा, मतलब तू यहाँ पे रह जा, तेरे वजह से नहीं हो रहा होगा वो। ओ एक सेकेंड, यहाँ पे फिल्म प्रोजेक्टर है, क्या मैं इसको इसके अंदर डाल सकता हूँ? और हाँ, हमें बस वही करना था, इसके अंदर ही डालना था। पर दरवाज़ा क्यों बंद किया, मेरे को लगता है कुछ तो भी होने वाला है। ये हो गया है, इसे उठा लेता हूँ। और अभी क्या करना है, द रूम इज इन डार्क ही आ रहा है इसमें तो। एक सेकेंड, मैं समझ गया, दरवाज़ा बंद करना है हमें। हाँ वही हुआ था, तो मतलब थोड़ा अंधेरा हो गया था बस। और हाँ वही करना था हमको, बस मैं उतनी देर से नहीं समझ पा रहा था। पिकअप द अनडेवलप फिल्म, इसको प्रोजेक्टर में डालना है। और ये क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है रंगी बिरंगी। और अभी हम लोग इसको लेके जाते हैं। और ये क्या हो गया, एक सेकेंड, मेरे को एक बार कैमरे में चेक करने दो। ओ गाइस, यहाँ पे टूटी हुई चीज़ जुड़ी हुई दिखती है, यही है गाइस सीक्रेट्स ऑफ फोटोग्राफी, यही डिस्कवर करना था हमें बस। हम किसी भी टूटी हुई चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं इसकी मदद से। और तू क्या कर रहा है, तू चल जा, तेरे को काले पानी की सज़ा दे दी मैंने, जा इसको उठा लेता हूँ। और डेवलप फिल्म, हमारा नेक्स्ट टास्क है टेक मोर फोटोज़। नहीं बस, मैं फ़ोटोग्राफी करने तो आया हूँ यहाँ पे, और तू क्या कर रहा है बाहर, तू अंदर ही रह। गाइस जब ये रोता है ना, मेरे को बड़ा मज़ा आता है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ओ हो गया, वही करना था। और अब क्या हो रहा है, ओ ये क्या आया, हार्वेस्ट द रीजेंट फ्लावर। ये रीजेंट फ्लावर को अभी हमको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें एक रीजेंट मिलेगा जो हमें उस मशीन में डालना है जहाँ से हम लोग एक और नया पोशन बना सकते हैं। और हाँ हो गया शायद, अभी हमें बस ये फिल्म को डेवलप करना है और हो जाएगा। तू शांत रहने, तो तेरे ऊपर उठी की बैठी का तक्के खेलूँगा, उठी की बैठी का तक्के। ये क्या है, ये एक प्रकार का गेम होता है हमारे यहाँ पे, जो मैं बचपन में बहुत खेला करता था अपने दोस्तों के साथ। और मैं इस बार गेम के बारे में बाद में कभी बताऊँगा, अभी मेरे को फ़ोटोज़ बनानी है। और ये अभी इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करना है, और बस अब ये आ गई है शायद, अब हो गया होगा वो फ्लावर हार्वेस्ट। जाके एक बार चेक कर लेते हैं। ओह कुछ तो हुआ है, कॉल द न्यू एट,
हाँ हो गया है, मतलब जब भी ऐसा ऑप्शन आता है समझ लो हो गया। ये स्प्रे कहाँ से निकाला तूने? ये हार्वेस्ट कर रहा है क्या? छोटा भीम वगैरह क्या तू? कहाँ धोती में छुपा रहा है तू उसको? दिखा दिखा। नहीं दिखा रहा वो अभी हमको। ये रीजेंट को उठा लेता हूँ मैं अभी। देख बेटा कुछ मत करना। और हाँ बस अभी हम लोग इसको लेके जाते हैं और जल्दी से हम लोग इसे उस मशीन में लगा देते हैं। और ये भी तैयार हो चुका है यहाँ पे हमारे वो पोशन का स्वाद चखने के लिए। अभी कौन सा पोशन लगाओ? ओ एक सेकेंड, यहाँ पे तो रेसिपी लगी है, ग्रीन और रेड। ग्रीन और रेड को मिलाना होगा हमको। ये रेड का ये ऑन किया और ये ग्रीन का ऑन किया। अभी बस दोनों यहाँ पे मिल जाने चाहिए जल्दी। आ गया, ब्लू कलर का पोशन बन गया है और ये इस डोर पाइप से आ रहा है जल्दी से। और ये देखो गाइस, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। हाँ गाइस, तो मैं हूँ एक ब्लॉगर और अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ से एक बॉटल उठा ली। और अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ से पोशन उठा लिया। और अभी आप लोग देख सकते हो कि बच्चे में परिवर्तन होना चालू हो गए। और हाँ, ऐसा बोल के आप लोग बन गए ब्लॉगर। और एक सेकेंड, इसने तो पूरी लाइब्रेरी हिला डाली, इतना भारी हो गया ये। हमें न्यूएट को फॉलो करना है। और हाँ, मैं कोई ब्लॉगर वगैरह नहीं हूँ, वो तो बस ऐसे ही बोल दिया था। और इसका तो पोशन ही उतर गया, इसको मेरे को वापस से पोशन पिला के लाना होगा। एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे फेंक देता हूँ ताकि थोड़ा डिस्टेंस तो कवर हो जाए। और ये ले लिया पोशन। और चलो एक सेकेंड, बच्चा खा गया। ओ ये तो मेरे सामने ही वहाँ पे आया था, ध्यान ही नहीं है मेरा, सॉरी गाइस, हो जाता है कभी कभी गलती से। और हमें उसको वहाँ तक पहुँचाना है, शायद इससे पहुँचा लूँ मैं, क्योंकि मेरे को वहाँ पर एक ट्यूब दिखा था। और हाँ बस पहुँच ही गया वो। एक सेकेंड, ये कौन सी जगह है इतनी सुंदर? लाइब्रेरी से सीधा एकदम ऐसे गेम स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक रूम से। और अभी हम लोग पहुँच का गए हैं। जाने दो गाइस, हमें तो बस टास्क कंप्लीट करना है। और हमें रीजेंट फ्लावर ढूंढना था और ये हमको आगे ही मिल गया है। ज़्यादा कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और न्यूएट को बुलाना पड़ेगा। और ये कौन कर रहा है अभी? नहीं मतलब इसको हर काम में टांग अड़ानी है, पता नहीं इसको क्या चैन मिलता है। स्टॉप द बेबी, अभी हमें इसे रोकना पड़ेगा नहीं तो हमारा जो रीजेंट फ्लावर है वो हार्वेस्ट नहीं हो पाएगा। यार कैसे रोको इसको? आजा आजा, पकड़ ले। नहीं पकड़ पा रहा हूँ मैं इसको। ये जब भी इसके पास जाता हूँ ये ऐसे झाड़ियाँ खड़ी कर देता है। इसको कैनन बॉल फेंक के मारता हूँ मैं। ये ले ली कैनन बॉल और अब यही फेंक के मारता हूँ मुँह पे, सीधा मुँह पे फेंकूँगा। नहीं ये तो थ्रो ही नहीं हुआ मेरे से, इसको ऐसे ही पकड़ने जाना पड़ेगा। एक सेकेंड, वो वहाँ पे, अभी कहाँ पे टेलीपोर्ट होऊंगा? जल्दी 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 बताओ मेरे को, वहीं पे चले जाऊंगा मैं। ते यार यहाँ पे हो भी गया वो तो। और अभी यहाँ पे जाऊँ इसको पकड़ने? नहीं गाइस, ये न्यूएट के आने पे नहीं, सिर्फ मेरे आने पे भी झाड़ियाँ उगा देता है। मेरे को ऐसा लगा कि वो सिर्फ न्यूएट के आने पे उगाएगा। और अभी हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, ये कैनन चलाने का। और एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड बोलते बोलते पूरे 8 मिनट हो गए। और अभी यही करना था हमको, बस समझ नहीं पाए हम लोग। स्टॉप द बेबी, अभी हमें इसे न्यूएट को देना है शायद, क्योंकि न्यूएट पीछे पीछे ही आ रहा था हमारे। और अब क्या करना है? कैनन, कैनन से कुछ तो भी बोला। अच्छा इसको हम लोग लोड कर सकते हैं, उड़ा भी देते हैं ना अभी इसको। हो गया, अभी क्या हम लोग अभी इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं शायद, मेरे ख्याल से हाँ। और हो गया हो गया, न्यूएट ने अपना भीम की शक्ति वाला ये निकाल लिया है पोर्शन जो भी है। और अभी हम लोग इस रीजेंट फ्लावर को, सॉरी इस रीजेंट को लेके जाते हैं अंदर उस मशीन में डालने के लिए, ताकि एक और नया पोर्शन बन सके। एक सेकेंड यार, ये एक सेकंड बोलने की बीमारी पता नहीं कहाँ से लग गई। पर ये हो क्या रहा है इतना खतरनाक? न्यूएट ने उसको धक्का दिया भी, ये पूरी इसको क्या हो गया? इक्लिप्स चालू हो गया ये तो, सोलार इक्लिप्स। और आंखें भी बंद हो रही है मेरी। क्या हुआ? वर्ल्ड्स कोलाइड, न्यू चैप्टर चालू हो गया है शायद। ये फाइनल चैप्टर है, हाँ ये फाइनल चैप्टर है कोलिजन। अब क्या करना है?
ओ गाइस, पूरा इक्लिप्स चालू हो गया है। कितना हार्ड सीन हो गया एकदम। और ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है आगे, जहाँ पे मैं कभी गया नहीं था। आज गेम खेलने के बहाने से चला भी गया मैं। वॉट द हैपन, सॉरी वॉट हैपन द, नहीं है उसमें मेरे को बस थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और अभी हमको ये रिजेंट लेना होगा। आवाज़ आई ना दरवाजे की, कहाँ से? यहाँ से? नहीं यहाँ से भी नहीं है। ओ पीछे वाला दरवाज़ा बंद हो गया। हमको उससे क्या, हमको तो बस रीजेंट लेना है। अब ये कहाँ गायब हो गया? ओ आ गई ये। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस ये क्या हो गया, एकदम से डर गया मैं। न्यूएट के ऊपर चढ़ गया ये। न्यूएट संभाल लेगा ना कि आऊँ मैं? नहीं संभाल लिया उसने तो वैसे। हाय भाई, और बता क्या चल रहा है तेरा। फेंक दे इसको। लव यू टू भाई, लव यू टू। पर गाइस आप लोगों ने न्यूएट के लिए कोई भी नाम कमेंट नहीं किया, तो मुझे इसे न्यूएट ही बुलाना पड़ेगा। और गाइस इसकी कोई रेसिपी नहीं है, ये जो थर्ड वाला, मतलब जो भी पोशन है थर्ड वाला, इसकी कोई रेसिपी नहीं है, तो हमें खुद से ट्राई करना पड़ेगा ये। अभी कुछ तो बनाए, कुछ तो पोशन बनाए अलग सा। ये तो मेरे को बहुत अलग ही पोशन लग रहा है, पूरा खास। ये देखो गाइस इसकी कोई रेसिपी नहीं है। पिंक वाले के साथ कुंदा मिक्स किया जाए तो। बॉटल उठा लेते हैं और बच्ची को पिलाने ले जाते हैं। ये कौन सा है पोशन, ये पिला के देखते हैं। इससे तो छोटा हो गया, मुझे नहीं लगता ये कोई काम का होगा। एक और बार ट्राई करते हैं हम लोग, दूसरा कोई हो सकता है, कोई काम का मिल जाए। मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंट हो ही सकता है उसमें, क्योंकि इस रीजन को पाने के लिए हमको कैनन वगैरह चलानी पड़ी, तो मतलब कुछ तो डिफरेंट होगा। और अभी पिंक और मैंने ब्लू वाला लगा दिया है। रेड वाला लगाने वाला था बट मैंने सोचा कि चलो जाने दो, ब्लू वाला लगा लेते हैं। उसके बाजू में होके हम लोग उसको पहले नहीं लगाएंगे तो उसको बुरा लगेगा। और ये कुछ डिफरेंट जा रहा है, अब ये कैच करके देखते एक बार। ओ यही है, देखो गाइस कैसे बच्चा एकदम से पीने के लिए सामने आ गया। और ये क्या हो रहा है, ये तो पूरा ज्वालामुखी बन गया, पूरी झाड़ियाँ जला दी इसने। और ऊपर तो अलग ही क्षेत्रफल चालू है, बिजलियाँ गिर रही है वहाँ से। यहाँ से तो रास्ता बंद हो गया। और फाइंड द वे अप स्टेयर, यहीं पे एक दिख रहा है मेरे को ऊपर जाने का रास्ता। न्यूएट को बुला लेते जल्दी से हम लोग। आजा जल्दी न्यूएट, चल। न्यूएट इज स्केयर्ड, ये डरा हुआ है। अरे डरने की कोई बात नहीं, पर अब ये मानेगा कैसे? तू ये पी और चल मेरे साथ। पर इसका करूँ क्या, शायद किचन में कुछ काम हो। कोई काम तो दिख नहीं रहा है मेरे को, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इसको मैं ओवन में डाल देता हूँ और थोड़े से मज़े लेते हैं गेम के बीच में। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मज़े लेने मेरे को। और ये मोगेम्बो खुश हो, वो सब कार्टून गिरी छोड़ो। और अभी हमको ऊपर जाने का रास्ता फाइंड करना है। उसके अलावा गेम आगे ही नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे भी लॉक्ड है, करना क्या है हमें? न्यू पोशन देखे, एबिलिटी तो छोड़ दी है, पर मेरे को कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा इसका, क्या करे? ओ एक सेकेंड, यहाँ पे झाड़ियाँ हैं। और जहाँ तक आपको याद होगा, बच्चे ने जब वो पोशन किया था तो उसने झाड़ियाँ जला दी थी, तो क्या हमें यही झाड़ियाँ जलाने के लिए वो पोशन बनाना पड़ा है? एक बार ट्राई करते हैं। और ये हमें इसने पिला दिया, सॉरी हमने इसे पिला दिया, कुछ भी बोलता हूँ मैं डर के मारे। और ये हो गया ओपन। और गाइस बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर करो, हो सकता है आगे आने वाली वीडियोस में बैकग्राउंड साउंड आपको परेशान ना करे, मतलब मेरे को परेशान ना करे। और ये तो गुस्से में लग रहा है मेरे को। ओ इसको पेसिफायर देना होगा, वो आपको इमरजेंसी ग्लास दिखा हुई होगा वो किचन रूम में पिछले वाली वीडियो में, नहीं दिखा तो अभी दिखा देता। ओ एकदम से मुंह के सामने आके क्या उल्टे सीधे हरकतें कर रहा है ये। पेसिफायर उठा लिया है मैंने, और अभी मैं इसको पिला देता हूँ पेसिफायर। हमें जल्दी से ऊपर जाना होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये मैंने इसको दे दिया, हो गया हो गया। ये क्या हो रहा है, एक और नया रूम। वाह मतलब क्या क्या बना के रखा है इसके पापा ने, घर बनाया है कि पूरा का पूरा शहर, समझ ही नहीं आता। ये क्या है अभी, ये किस चीज़ का लीवर है?
ऑटोमेटिक ऑन किया तो मैं ऑफ हो रहा है, सॉरी जो भी है ऑन ऑफ हो रहा है ऑटोमेटिक। मैं आपसे एक और बार सॉरी मांगता हूँ वो बैकग्राउंड में जो गाड़ी की आवाज़ आ रही है उसके लिए। गाइस गणेश चतुर्थी आप पास आ रही है तो आप लोग समझ ही सकते हो गाड़ियों का क्राउड। और यहाँ से रिंग स्टॉप हो रही है, शायद इस बार नहीं हुआ वो ऊपर तो अच्छा, मतलब हमें सीक्वेंस वाइज रिंग को स्टॉप करना है तो वो नहीं होगा। और एक भी गलत हो गया तो हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले हमको ये करना होगा और फिर इसके बाद ये भी ऑन करना होगा और इसके बाद ये भी ऑन करना होगा। हो गया, अब क्या होगा? अब कुछ तो भी होने वाला है, कुछ तो भी होने वाला है। ये क्या हो गया, बच्चा कैसे आ गया? इसको तो पेसिफायर दिया था ना मैंने। नहीं, इसको करना है पूरे मतलब तमाशे, जब तक ये कोई बड़ा कांड ना कर दे इसको रात को नींद ही नहीं आती। और अभी हमको इसको कोर को रिट्राइव करना पड़ेगा, उसने कोर तोड़ दिया है हमारा, मतलब कोर घुमा दिया है हमारा, वहाँ से उसको तोड़ दिया है ऊपर से। अभी हमको इसको एक सेकेंड, इसने तो पूरा ही तोड़ दिया अभी उसको। ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? ओ लाइब्रेरी ओपन है बस। और अब इसके आगे वो कैमरे वाला रूम ओपन है। और अभी इसको बंद तो कर लिया है पर अब क्या करूँ? ओ यहाँ पे डोर स्टॉप है, इसको भी लगा देता हूँ मैं। और अब क्या होना है? एस्केप विद न्यूएट, इसके साथ कैसे एस्केप करूँ? ये क्या इशारा दे रहा है मेरे को? ये भी लॉक्ड है और यहाँ पे मेरे को इसका कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा है अभी। तो अभी मैं इसके साथ ऊपर चढ़ ही जाता हूँ और कर भी क्या सकते हम लोग। तो अभी हम लोग यहाँ से नीचे चले जाते हैं वापस। और गेम वाले इतने हरामी, जब मेरे को ऊपर आना था तब यहाँ पे सीढ़ी नहीं लग रही थी और अब ये कहाँ से प्रकट हो गई? और ये क्या हो गया यहाँ पे? हेड आउटसाइड, हमको बाहर जाना पड़ेगा। लिफ्ट से कोई आया क्या? नहीं, मेरे को ऐसा लगा। ओह यहाँ पे एक पीस ऑफ कोर मिल गया है, हमको इसको वापस से पूरा जोड़ना पड़ेगा, दूसरा वाला पीस ढूंढना पड़ेगा अभी हमको ऐसे ही। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तो कैनॉन बॉल पड़े हैं, ये किसने बिखराए? शायद पहले से ही पड़े होंगे, मेरी ध्यान नहीं गई होंगी। और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये क्या है यार? इनको अभी रिकॉर्डिंग देने का सोच रहा है, शायद हमको कैनॉन बॉल चलाना चाहिए। अभी वही हमारा आखिरी रास्ता है, माना कि मज़ा आता है मेरे को उसमें। और ये जो कहाँ जाके फूटा? ओ मिल गया, सही में मेरे को कैनॉन बॉल चलाने से मिल गया, वाह। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है, हर बार नहीं मिलता ऐसा। और ये ओ ये वापस आ गया है और मैं इसके साथ चल नहीं पा रहा हूँ। हमें इसे न्यूएट को देना है और न्यूएट तो भाई क्या स्पीड में भागे जा रहा है। ओह यहाँ से रास्ता ब्लॉक कर दिया है, यहाँ से जा सकता ऊपर मैं। और अभी यहाँ से मैं चले जाता हूँ, ओ न्यूएट वहाँ पे है। ये इतनी छोटी सी जगह से चले गया मैं आखिर, अगर मैं नहीं पहुँच पाया रहता तो वो उसने तो मेरा मार मार के कीमा बना दिया रहता। और अब क्या करना है? ये एग्जॉस्टेड हो गया है, थक चुका है बेचारा पूरा, जितनी इसकी बैटरी थी ना उससे ज़्यादा काम करवा लिया हमने इससे। अब इसको वापस कैसे रखने जाऊँ? चलो देखते हैं। ओ एक सेकेंड, यहाँ से तो रास्ता खुलना चालू हो गया और वहाँ से वो भी आ रहा है, न्यूएट रोक रहा है शायद वहाँ पे उसे। हमें इसको जल्दी से लगाना पड़ेगा ताकि न्यूएट पे ज़्यादा प्रेशर ना बन जाए। कैसे भी करके बेचारा रोक रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। ओ उसने तो पूरा दरवाज़ा ब्लॉक करके रखा है यार। और यहाँ पे कुछ तो भी जादू टोना हो रहा है। आजा न्यूएट हो गया यहाँ पे, आजा जल्दी वहाँ पे। ओ माय गॉड इतना खतरनाक वी गाइस, क्या इस गेम की एंडिंग है? नहीं नहीं, शायद मुझे लगता है इस गेम के एंड हो चुका है। और न्यूएट को क्या हुआ? न्यूएट इज गॉन। ओ नो गाइस, बेचारे ने सही में बहुत मदद की है हमारी। इसका आर्म हाथ से अटैच नहीं कर सकते हम लोग इसको। क्या मैं वापस उसी रूम में जाके इसको रिपेयर नहीं कर सकता? एक बार जाके देखता हूँ,
क्या पता ये वहाँ पे रिपेयर हो जाए, क्योंकि गाइस इसने हमारी बहुत मदद की है, इसने हमको बहुत कोऑपरेट किया है। इतनी मदद तो हमारी कोई भी नहीं कर सकता। सारे रीजेंट्स को फाइंड करने में उसने हमारी मदद की है, और यहाँ से एक भी रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे नीचे जाने का। इसका मतलब सही में न्यूएट अब हमारे साथ नहीं रहा। गाइस सब लोग रेस RIP न्यूएट ज़रूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। न्यूएट का नाम तो नहीं लिख पाए, पर ये ज़रूर लिख देना इंसानियत के खातिर, भले वो इंसान नहीं है और पर लिख देना गाइस ज़रूर से। और यहाँ से हमको शायद ये कोर उठाना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी करके टास्क आ रहा है, मतलब टास्क के इसमें हमारे को दिखा रहा है कि क्यूरियोसिटी है, और ये कोर यहाँ पे लगने वाला था। और अब क्या होने वाला है? वो इतना सही, ये तो अनएक्सपेक्टेड था यार। सही में मैंने ये नहीं सोचा था कि इस गेम की एंडिंग ऐसी होंगी। ओ इस गेम का तो एंड हो गया था ना, देखते अभी क्या होने वाला है। वो गेम का लोगो। और हाँ गाइस भले आप जो आप लोग सब्सक्राइब ना करो तो चलेगा, बट RIP न्यूएट ज़रूर लिख देना। और ये क्या हो रहा है, वापस से आ रहा है बेबी, पांच पांच है इस बार तो। ओ ये क्या हो रहा है ऊपर, ये क्या है, इसकी तो पेंटिंग देखी थी ना मैंने, और ये शायद मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। ये कौन है अब? नहीं ये तो अलग ही है, शायद इस गेम का एंड अभी भी हुआ नहीं है पूरा। ओ गाइस ये सच में क्यूरियोसिटी है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। और ये क्या हुआ, थैंक्स फॉर प्लेइंग, दिस इज नॉट द एंड, न्यू चैप्टर आने वाला है, तो हम लोग बाद में खेलेंगे इसका न्यू पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक और नए हॉरर गेम के साथ, तब तक के लिए बाय।